सरजू नदी को स्वच्छ बनाने की कार्य योजना पर कार्य शुरू। शहरी क्षेत्र में प्रवाहित नदियों के संरक्षण को अर्बन रिवर मैनेजमेंट की बैठक संपन्न। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एसपी पांडे, आप देख रहे हैं सच 24 इंडिया। सरजू नदी की स्वच्छता को लेकर कार्य योजना पर काम शुरू हो गया है। इस संबंध में मंगलवार को शहरी क्षेत्र में प्रवाहित नदियों के संरक्षण के लिए अर्बन रिवर मैनेजमेंट के संबंध में नगर आयुक्त संतोष कुमार शर्मा की अध्यक्षता में राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के उपनिदेशक नीलम कुमार श्रीवास्तव, राष्ट्रीय नगर कार्य योजना संस्थान के प्रतिनिधियों एवं सहयोगी विभाग, अयोध्या विकास प्राधिकरण, सिंचाई प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, पर्यटन वन विभाग, छावनी परिषद, उद्योग विभाग, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय के अधिकारियों के साथ बैठक हुई। बैठक में सरजू नदी के संरक्षण कार्य योजना तैयार किए जाने पर विस्तृत चर्चा की गई। इसके साथ जल स्रोतों, तालाबों, कुंडों आदि के जीर्णोद्धार करते हुए जल संरक्षण के संबंध में जानकारी दी गई। इसके साथ नदियों को स्वच्छ एवं निर्मल स्वरूप में रखे जाने के कार्यवाही के संबंध में विचार विमर्श किया गया। सहयोगी विभागों से भी इस योजना के क्रियान्वयन के लिए अपेक्षित सहयोग प्रदान करने हेतु अनुरोध किया गया। उल्लेखनीय है कि अर्बन रिवर मैनेजमेंट ऐलान के अंतर्गत सरजू नदी के पायलट प्रोजेक्ट के रूप में चयनित किया गया। नगर आयुक्त संतोष कुमार शर्मा ने अवगत कराया कि हम सभी नदियों को स्वच्छ रखने एवं संरक्षण हेतु पूर्णतया प्रतिबद्ध हैं। अयोध्या प्राचीन धार्मिक एवं आध्यात्मिक नगरी है, जिसमें सरजू नदी के प्रति आमजन की प्रगाढ़ आस्था है। इस योजना के अंतर्गत सरजू नदी को स्वच्छ एवं निर्मल रखने हेतु सहयोगी विभागों के संबंध में योजना पर कार्यवाही की जाएगी। इसमें संबंधित विभाग से सहयोग प्राप्त किया जा रहा है। बैठक के दौरान उपाध्यक्ष अयोध्या विकास प्राधिकरण अश्विनी पांडे, अपर नगर आयुक्त अनिल कुमार सिंह, मुख्य अभियंता राजवीर सिंह, अधिशासी अभियंता अनूप सिंह, अधिशासी अभियंता जल निगम आनंद कुमार दुबे, अधिशासी अभियंता सिंचाई रजनीश गौतम, प्रभागीय अधिकारी के एन सुधीर, अधिशासी अभियंता अयोध्या विकास प्राधिकरण आलोक कुमार सिंह, सहायक अभियंता संजीव यादव, भरत सिंह वर्मा आदि अधिकारी कर्मचारी उपस्थित रहे।